बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। भैया ना भैया 23 अक्टूबर की डेट अगर आपने मार्क नहीं की है तो कैलेंडर पे जल्दी से मार्क कर लिए, क्योंकि गुल्टू भैया और कालीन भैया आ रहे हैं गोली और गाली दोनों की बौछार से आपके कान आंख नाक सबको बहराने। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शिवान है और आप देख रहे हैं नॉलेज 360 फॉर यू। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली वेब सीरीज यानी वेब सीरीज की किंग मिर्जापुर सीजन 2 के बारे में, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके ट्रेलर का एक छोटा सा रिव्यू। हम पहले भी तुम्हारे मालिक थे और आज भी हैं। गद्दी पे चाहे हम बैठें या मुन्ना, नियम सेम होंगे। और हम एक और नियम ऐड कर रहे हैं, गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। कौन जानता है देवेंद्र शर्मा को, कौन जानता है श्वेता त्रिपाठी को, कौन जानता है अली फजल को, या कौन जानता है पंकज त्रिपाठी को? अगर कोई जानता है तो वो है हमारे गुड्डू भैया, वो अगर हम कोई जानता है तो वो है हमारे मुन्ना भैया, कालीन भैया और गुल्लू को। जी हाँ, ये वेब सीरीज एक नए शोर के साथ और एक नई बौछार के साथ 23 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है अमेजोन प्राइम पे। बात करें अगर इसके कैरेक्टर की तो गुड्डू भैया का रिवेंज बहुत ही ज्यादा तड़पा रहा है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, वो जाएंगे नहीं। बात करेगा सीजन वन की तो सीजन वन का एंड कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मुन्ना भैया ने सबको तो मार दिया लेकिन गुड्डू भैया को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? जी हाँ, इस पर्टिकुलर सीजन में बहुत सारी कुछ नई चीजें भी आने वाली हैं। हम बिहार भी विजिट करने वाले हैं जैसा कि बताया गया है। अगर हम बात करें मुन्ना त्रिपाठी की और अगर हम बात करें उस चाचा की, सब आने वाले हैं एक नए फ्लेवर के साथ, एक नए मजे के साथ। अगर हम शुरुआत देखें इस पर्टिकुलर ट्रेलर की तो ट्रेलर की शुरुआत में गुड्डू भैया बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल नजर आ रहे हैं, जो कि रेडी है पूरी तरह से तैयार भौकाल मचाने के लिए मिर्जापुर की सड़कों पर। बात दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। और हाँ, एक चीज और बता दे, 23 अक्टूबर को इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको व्लॉग मिलेगा मिर्जापुर का, जिसमें हम बात करेंगे मिर्जापुर के सीजन 2 का एपिसोड वाइज रिव्यू उस पर्टिकुलर वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो आप पक्का आपको झंडू ही होंगे। खैर, लेकिन अगर हम आगे बात करें पंकज जी की यानी पंकज त्रिपाठी, जो कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं एक्टिंग के फील्ड में, उनकी गालियां जो शालीनता के साथ वो देते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी, वो सब कुछ कुछ उसी तरह से हमारे सामने आने वाला है। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप क्या हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए कि आप कितना एक्साइटेड हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खैर, हमारा जो फेवरेट कैरेक्टर है अदर देन गुल्लू भैया यानी अदर देन गुड्डू भैया, वो है हमारे मुन्ना भैया। मुन्ना भैया का एक टशन ही कुछ और है, बहुत गजब का टशन है उनका, जो मुझे बहुत पसंद आया। खास करके अगर आपने देखा है टॉयलेट एक प्रेम कथा, उस पर्टिकुलर फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था या उस पर्टिकुलर फिल्म में वो आए थे नजर, जिसमें काफी प्रोमिनेंट रोल था और काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं। और गालियां तो कुछ इस तरह से देते हैं जैसे कि वो गालियां देते ही बड़े हुए हैं। बात करें अगर श्वेता त्रिपाठी की तो पंकज त्रिपाठी और श्वेता त्रिपाठी सरनेम एक है, तो एक्टिंग में कैसे कमी हो सकती है। जबरदस्त एक्टिंग होने वाली है। आपने देखा था सीजन 1 के एपिसोड 2 में इनका इंट्रोडक्शन हुआ था और जबरदस्त तरीके से ये जो है हमारे सामने आई थी। और अब देखते हैं कि कैसे बनती है ये एक नेता, यानी कि नेता के रूप में ये कैसे नजर आती है। और अगर हम बात करें कालीन भैया के पापा की, तो शेर भले ही बूढ़ा हो जाए अगर उसको मुंह में खून लग जाए तो फिर वो तो खैर आतंक मचा देता है, तो आज कुछ आतंक उनका भी हमको नजर आने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड इस पूरे वेब सीरीज के साथ, जुड़े रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर गोली गाली भौकाल और एक टशन दबंगई, क्या नहीं है, रोमांस, हर कुछ इस पर्टिकुलर वेब सीरीज में एक सैंडविच पैक बना करके आपको दे दिया है। जस्ट हैव अ बाइट और उस बाइट में आपको हर कुछ मिलेगा जो कि एक मॉडर्न इंडियन व्यूअर, OTT प्लेटफॉर्म का व्यूअर, Amazon में 1100,000 रुपए देने वाला व्यूअर चाहता है। और किंग ऑफ वेब सीरीज अगर कोई है तो मिर्जापुर ही है, और उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई और जस्टिफाई किया है इसके पर्टिकुलर ट्रेलर ने, क्योंकि गुड्डू भैया की अब हम बात करने वाले हैं। जब दोबारा आते हैं तो उनकी आग में वो चमक, वो आग कि अब दुश्मन आएगा तो बचेगा नहीं, वो आग हमें तड़पा रही है।
कब आएगा वो 23 अक्टूबर का दिन, कब आएगा वो Amazon Prime का वो डे जिस दिन ये सीरीज लॉन्च होने वाली है। भाई अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, अपने मोबाइल को रिचार्ज कर लीजिए, डेटा डलवा लीजिए, Amazon Prime का मेंबरशिप नहीं लिया तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि ये वेब सीरीज बनाने वाली है कुछ नए रिकॉर्ड, कुछ नई कीर्तिमान ये बनाने वाली है। भले ही मसाला पुराना है, जी हाँ, बॉलीवुड के 80s और 90s के दशक का मसाला है कि वही रिवेंज, वही खून, वही सब कुछ, लेकिन इसका फोल्ड एक अलग है, इसका तरीका अलग है। और अगर हम आपको बताएं इसके एक्टर के, चाहे वो अली फजल हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी, श्वेता त्रिपाठी, या फिर कोई भी इसका कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर इसका कोई फेम्ड कैरेक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट गेम का जो है सैफ अली खान है, या फिर कोई और बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो आया है जिसकी वजह से पर्टिकुलर वेब सीरीज पे छाप छोड़ गई है। जी हाँ, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो है अपनी मेहनत, अपनी बल, अपनी ताकत से बॉलीवुड में अपना कदम जमाए हैं और आज वो दिखा रहे हैं कि अपनी मेहनत का रंग कितना खूबसूरत और कितना रंगीन होता है। जी हाँ, ये पर्टिकुलर सीरीज जो है इसमें कैरेक्टर नए, उनका मेहनत नया, और अगर कुछ नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ उनका हार्डवर्क नजर आता है। और क्या एक्टिंग है, क्या जबरदस्त एक्टिंग है। एक तरफ अगर त्रिपाठी साहब की यानी कालीन भैया की एक्टिंग की बात करें तो शालीनता के साथ जो वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं और उसमें गालियों और गोलियों का जो तड़का लगाते हैं उसका तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें गुल्लू भैया की यानी कि गुड्डू भैया की, तो उनका उनका जो भौकाल का अंदाज है, हमको नहीं लगता है कि इस तरह का भौकाली अंदाज किसी भी मूवी में किसी भी कैरेक्टर ने, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो कोई और कैरेक्टर हो, उसने दिखाया होगा। और जहां पर शालीनता की बात करें तो अगेन हमारी जो श्वेता त्रिपाठी है, उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की थी पहले सीजन में भी और सीजन टू में भी। आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि उनकी शालीनता, उनकी आंखों के जरिए की गई एक्टिंग जबरदस्त होती है। और हमारे चाचा तो खैर चचाई हैं, उन्होंने जो नाच दिखाया था, हम उम्मीद करते हैं सीजन टू में भी चचा उसी तरह का नाच दिखा के छाने वाले हैं। और खास करके मुन्ना भैया की, मुन्ना भैया यू आर टू गुड, बहुत अच्छी एक्टिंग है इनकी। और क्या उनका जो एक एक दबदबा है, उनका 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 डेस्परेटनेस है जो सीजन वन में हमको नजर आया, और उनका जो एक एक एक्टिंग स्टाइल है, भले वो एक सांप है जो अपने बाप को ही डसना चाहता है, लेकिन वो डसने का तरीका और वो एक्टिंग प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन ऑसम 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 जस्ट ऑसम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रेलर रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब को लाल से हरा पीला नीला जो करना है करिए, और वीडियो में कमेंट डालिए, और वेट कीजिए 23 अक्टूबर का सिर्फ Amazon Prime के वीडियो के लिए नहीं, वेब सीरीज के लिए नहीं, बल्कि उसके एपिसोड बाई एपिसोड रिव्यू का जो कि आपको मिलेगा सिर्फ इसी चैनल में यानी Knowledge 364 U पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग एंड स्टे क्लीन। थैंक यू, गुड बाय, सायनारा, मीट यू ऑन 23rd of October। हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे।